आज बड़ी परेशान है ये लड़की, इसको बनाना है, इसको खाना बनाना है, और खाना बनाने के लिए इसको कोई चॉइस नहीं समझ में आ रही कि सुबह सुबह बनाया क्या जाए। तेरी सड़ी शक्ल क्यों है डॉली? एक तो मैं बाहर का कुछ नहीं खाती, फिर उठी ये देखो ये देखो ये देखो। ये बाहर का खाने का नहीं होता, ये दूसरों को परेशान करने का नतीजा है ठाकुर। इस हिसाब से तो आपका चेहरा भरना चाहिए। दूल्हा दुल्हन को इतने दिन से इतने अच्छे अच्छे घुमा रहे थे, आज पैदल पैदल रमड़ा रहे हैं। दुल्हन भी है देख आगे, वो है। आपने भी रमड़ाया था कभी यार, पूरे गांव में कैसे रमड़ाया था, पूरा लैंड है ये सब है, ऐसे तैसे हो गए पूरे टाइम। हाय दुल्हन, नमस्ते आंटी। है ना दुल्हन है। जम गई है यार, मैंने इसको जुगाड़ करने के लिए कवर को थोड़ा सा फाड़ना पड़ गया। ओ ये, और इधर एक दिन के अंदर यार बहुत तगड़ी धूल जल जाती है इधर पार्किंग में। तो बाइक की आज कितने दिनों बाद निकाल रहा हूँ वैसे तो, इसकी आज इसको घर लेके जाएंगे, वहाँ थोड़ी सी इसकी धुलाई वुलाई की जाएगी। वैसे तो बाहर बाइक से निकलना मतलब आग लगवाना है, क्योंकि बाहर जो गर्मी है ना वो नेक्स्ट लेवल है। और अभी सिर्फ और सिर्फ सुबह के 9 साढ़े 9 बजे हैं, उसके अंदर ये हाल है यार, बाकी तो कैसे काम चलेगा पूरा दिन भर। यार वो एक चीज़ अप्लाई करते हैं ना, वो लेट्स अप्लाई टू, ओह मस्त है, मस्त। ऐसा लगता है गर्मी के अंदर पसीना आता, तो पसीने के बाद जो गर्मी है वो जो ठंडी ठंडी हवा आती है ना वो गजब आती है यार। तो भाई इसमें एक हमारे पास सनराइजर है तो वो लगा लिया। भाई इसको भी कभी कभी क्लीन करना चाहिए, अब ये इतने दिनों से मैंने चलाई नहीं थी तो इसको बहुत दिनों से धोया नहीं था, चलो आज इसको पूरा धो दिया जाए। ये तेरा मुंडा धो दे, ये बात इसका मुंडा कटल साफ हो गया। उसके बाद तू कह रही है कि मैं मुझे उठा ले बहुत भारी है तू, भारी भरकम, उसको कोई नहीं उठाएगा। मैं काट के लाई थी तरबूज और खाए पूरे खुद। तो क्या तरबूज काट के लाई यार, हद हो गए, तरबूज काट के लाना इतना बड़ा टास्क हो गया है। तो खाया आपने ना, नाम क्या लगा रहे, मैंने खाया इतना बड़ा, तूने तो खाया था पूरा पूरा, मुट्ठी खा गई पूरा कदे तरबूज। मैं नहीं जा रहा, मैं सोऊंगा, मैं कूलर के सामने सोऊंगा, जा रहा हूँ एसी में सोऊंगा ऊपर अपने। उस दिन से मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, वो लोग अभी एयरटेल वाले को बुलाया हुआ था तो वो लोग आए हुए, वो लगे हुए अपने काम करने के लिए। तो इसलिए बिना इंटरनेट के तो बेकार है यार जीवन, बहुत उसको डेली बेसिस पे इस तरीके की आदत है, रहना मुश्किल है ऐसे। तो चलो भाई पहले देखते थोड़ी देर ठीक हो जाए, लगे हुए भाई लोग। गजब है यार, अभी 2 मिनट पहले करते ही कड़ाके की धूप थी और अभी देखो क्या हो गया भाई, धूप गायब, पता ही गायब हो गई है यार। अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी कड़ाके की धूप थी पूछो मत, पूरी गायब हो गई। अभी मुझे लग रहा है बरसात वरसात का सीजन आ रहा है,
तो थोड़ा सा बरसात वरसात शुरू होगी। हाँ भैया बरसात क्यों ना शुरू होगी, आज की शादी है, आज और कल की दो तारीख, दो दिन की बहुत शादी है लोगों की, दो तारीख की शादी है, तीन तारीख को शादी है। तो बेसिकली जिन जिन शादी में वही कांड है, वो ताऊ वाला फंडा अपना फिक्स है भाई, जिन्होंने कढ़ाइयों में खाना खाया है वो भुगतो आज, जिसने बैंकेट हॉल नहीं किया है वो भैया कढ़ाई लेके ओढ़ लियो अपने ऊपर, तभी बच पाओगे, उन्हें बचना नहीं है। बंद कर दे आज ही तो मैंने साफ किया सोफे। अरे वो सोफा ले आओ, फिर मैं बदलेगी। इसका इधर है, इसका ऊपर है, इसका साइड, इसका साइड, इसका साइड, इसका साइड, इसका। मम्मी और के साथ शॉपिंग ऐसी होती है, देखो थैला टकरा है। हां हां तू आ जा, तू तुम्हें निकाल रहा है। हां हां सारा लाड इसी पे लुटा दो तू। मुझे लोगों से नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, नजर लग जाती है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मम्मी तो मम्मी के साथ शॉपिंग करने का यही होता है कि झोला ऐसा होता है। मम्मी के सुना झोलों में मम्मी मम्मी ने पता है तो क्या भाई, मम्मियों के साथ शॉपिंग करने का यही तो मजा है। मैंने बार्गेनिंग स्किल यहीं से सीखी है एक्चुअली मेरी। मैंने एक दिन ना बार्गेनिंग सीखी थी, वो मम्मी के साथ ही सीखी मैं बार्गेनिंग। भाई मुझे बार्गेनिंग एक्चुअली वो हुआ था जब हम लोग जूती लेने गए थे, तो जूती लेते टाइम मैंने बार्गेनिंग, भाई वो लोग क्या बोल रहे थे, जूती का प्राइस उसने बोला था 1150 रुपये, 1150 से पता क्या हुआ था, जूती जब हम लेने गए थे तो जूती के रेट उसने बोला था एक बार तो 1150 वहाँ मेन सिटी में जो दूल्हे की जूती है ना। तो उसके बाद मैंने जूती देखी, मैंने सीधा बोला भाई साहब 200 रुपये, फिर वो आया, फिर वो लाया भैया 700 रुपये, फिर वो आया, फिर वो आया 400 रुपये, फिर फाइनली 210 रुपये में लेके आए हम जूती। तो क्या जूते हैं, वही तो वो क्या वहाँ मम्मी वो फॉरेनर जो आते हैं ना उन लोगों के साथ वही करते हैं। तो ऐसा है भाई विवेक, वहाँ जो रहते हैं भैया थोड़ा सा ध्यान से, लोग वैसे ही लूटते हैं इसलिए। इनके साथ जाओ तो और सस्ते में मिल जाती है, अब मुझे पता नहीं था इनको लेके जाना चाहिए, लेकिन वो हमारा ताऊ नहीं जा रहा था ना इनके साथ, इसलिए मम्मी के साथ। यार ये बैग मस्त लग रहा, पीछे टका हुआ जकास का था ये। चलिए दोस्तों आज के व्लॉग को यही खत्म करते हैं, हो गई बखैती जितनी होनी थी, अब थोड़ी देर में खाना वाना खाते हैं। मेरे सोना नहीं है बेसिकली, मैं जैसे अपने ब्लॉग को एंड कर रहा था, मेरा फ़ोन, इसकी फ़ोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। मैक्सिम आज का जो ब्लॉग शूट हुआ था वो फ़ोन से हुआ था, तो ये फ़ोन की बैटरी फ़ोन चार्ज पर आया था, अभी जस्ट मैं एडिट करने के लिए बैठता और कल के लिए ब्लॉग लाइव हो जाएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, आई होप आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिना सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।